बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल से गरारे के डिज़ाइन दिखा रही हूँ। गरारा और शरारा दोनों डिज़ाइन हैं हमारी इस वीडियो में, लेकिन जितने भी डिज़ाइन हैं कलर कंट्रास्टिंग के साथ हैं। कॉम्बिनेशन के ड्रेसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं आप लोगों की ही डिमांड पर। मुझे कमेंट्स आप लोगों ने किए कि हमें इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन के साथ ड्रेस दिखाएं, ग्रीन कलर के साथ कॉम्बिनेशन दिखाएं, रेड के साथ दिखाएं। तो तकरीबन में काफ़ी सारे इसी तरह के कलर्स मैंने ऐड किए हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को बहुत सारे आइडियाज़ एक ही वीडियो में मिल जाएं। ज़्यादातर इसमें शर्ट्स जो हैं वेलवेट की बनाई गई हैं, और जो गरारा हैं और शरारे के डिज़ाइन हैं वो ब्रोकेट फैब्रिक के बनाए हुए हैं। आप चाहें तो देखें, पूरा ड्रेस जो है वेलवेट का बनाया गया है और दुपट्टा शिफोन का लिया हुआ है। आप दुपट्टा कंट्रास्टिंग में ले लें, शिफोन का ले लें, कोई नेट का ले लें, साथ में जो आपने लेस यूज़ करनी हो, जो दामन पर, गले पर, स्लीव पर आपने जो भी लेस यूज़ करें वही आप कंट्रास्टिंग के साथ दुपट्टे के चारों तरफ यूज़ कर सकते हैं। देखें, रिबन लगाकर डिज़ाइनिंग की गई है। व्यूवर्स, आप जिस कलर की शर्ट लें वेलवेट की, वेलवेट का ही रिबन आप लेकर दुपट्टे के चारों तरफ और नीचे गरारे के पूरे घूम पर लगा सकती हैं। इसके अलावा आप वेलवेट का जो भी रिबन लेकर किसी भी कंट्रास्टिंग के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ आप किसी भी अपने ड्रेस में डिज़ाइनिंग करेंगी, बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। आप देखें, ब्राउन कलर के साथ गोल्डन बहुत अच्छा लग रहा है। गरारे का डिज़ाइन सबके ही एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि गरारे की एक जो है स्टिचिंग नहीं होती, वो कहीं तरह से होती है। गरारे के पैंचे अलग होते हैं, छोटे बड़े पैंचे अलग होते हैं, उनके घूम अलग होते हैं। कुछ होते हैं जो ए लाइन होते हैं, कुछ होते हैं जो अम्ब्रेला कट में होते हैं, और कुछ होते हैं जो सीधे होते हैं। आप लोगों को ये तो टेलर ही दिखा के बता सकता है कि ये किस तरह का है और आपने किस तरह से कितने फैब्रिक में बनेगा, मतलब कितना मीटर इसमें फैब्रिक यूज़ होगा। क्योंकि व्यूवर्स, आप लोगों के अक्सर कमेंट्स होते हैं कि हमें बताएं इसमें फैब्रिक कौन सा यूज़ हुआ हुआ है या इसमें कितना मीटर कपड़ा लगा है। देखिए, हर ड्रेस का मैं अगर आपको मीटर का हिसाब बताने लगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे इसमें, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ड्रेस का आइडिया आप लोग किसी भी टेलर को दिखा के भी पूछ सकते हैं कि हमें इस ड्रेस में कितना कपड़ा चाहिए। देखें, फ्लेयर अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो उसमें कपड़ा भी ज़्यादा यूज़ होता है। कम बना लगाते हैं, जैसे कि अगर ए लाइन शर्ट नहीं है, स्ट्रेच शर्ट है, तो आपका कम कपड़ा यूज़ होगा। ए लाइन शर्ट में आपका कपड़ा जो है वो ज़्यादा यूज़ होगा। तो ये चीज़ें आप लोग खुद ध्यान में रखें, उसी हिसाब से आप लोग अपना फैब्रिक लें। शॉर्ट ब्लाउज़ के लिए कम यूज़ होगा, लॉन्ग ब्लाउज़ के लिए थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा, फ्लेयर ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा। व्यूवर्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और जो साथ वाला बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे और आप लोग देखते रहें। इसके अलावा मज़ीद अगर आपने कुछ भी न्यू देखना है तो आप हमें कॉमेंट करें, आप हमें बताइएगा कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन ड्रेस दिखाएँ या किस तरह का आपने ड्रेस देखना है। तो व्यूवर्स, हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसे भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपने जो भी आपने अपनी राय देनी हो, अपना कोई भी आपने बात कहनी हो, आप हमें कहीं भी कह सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को एंड तक देखें।